स्वागत है फिर से आपका आपके शोर में टेक्निकल साइंस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और जैसे कि मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्यार से त्रिकोणमिति, उसका एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत नॉलेज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास 10th के लिए, तो पूरा जानना है तो बनेगा वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ टेक्निकल पे और एजुकेशनल पे भी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक धमाकेदार इंट्रो के बाद। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पे बी है, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। अब आता है ए बी इज इक्वल टू वो 24 सेमी, ये जो दूरी है कितना है 24 सेंटीमीटर। अब ए बी सी कितना है, बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों आपको मिल चुका है। अब आपको क्या पता करना है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब यहाँ पे रखना है इस एंगल का मान पता करना है। तो इस एंगल से हम अगर देखेंगे तो इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो इस एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइट, और ये हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, होगा कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, चलिए मैं आपके लिए बना ही देता हूँ, आइए ये हो जाएगा वो ट्रायंगल, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा बी। तो ए निकालना है हमें, नहीं ये नहीं बनेगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, तो हमें ए निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, सॉरी ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो साइन सी निकालना है और फिर कॉस ए निकालना, साइन ए निकालना है फिर कॉस ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए, आप कैसे बताएंगे, हाइट, हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, हाइट क्या है आपका, हाइट क्या है, ये है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या है पता नहीं है, तो उसको पहले हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी का स्क्वायर, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। बीसी क्या है, बीसी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए कर लेते हैं 24 4 96 24 2 48 and 9 57 ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 49 प्लस 576 इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 6 15 और 7 4 11 12, ये हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका एसी कितना रहता है 25 सेमी, ठीक है। तो साइन इज हाइट क्या है हमारा, हाइट 7 है, और हाइपोटेनस क्या है 25 है, ठीक है, साइन ए का वैल्यू पता चल गया। चलते हैं अपने कॉस पे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या है, बेस है 24 और हाइपोटेनस क्या है 25, इक्वल टू 24 बाई 25। हम क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है 7 बाई 25 इंटू 24 बाई 25, कहीं से कटने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं से कटने वाला नहीं है। तो 7 4 28, 7 2 14 2 16 बाई 6 2 5,
ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये चीज़। अब चलते हैं इधर, साइन सी एन कॉस सी, मतलब अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हाइट बाई हाइपोटेनस। तो इसका हाइट क्या, साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट क्या है इसका 24 और हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है, अब चलते हैं कॉस सी पे, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है इसका फॉर्मूला। बेस क्या है 7 है और हाइपोटेनस क्या है 25 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 24/25 इंटू 7/25 सेम आंसर आ जाएगा 168/625। ऐसे होगा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिया है, अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 8.13, दिस इज द फिगर 8.13, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो मतलब इनमें से दो वैल्यू दिया, तीसरा ने दिया, तो तीसरा क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हो जाता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमारा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है नहीं पता है तो देख लीजिए, 13 3 या 39 169 होता है इसका, और इसका होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर ट्रांसफर होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2, खत्म। तो क्यू आर इज इक्वल टू वट, √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका बेस, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको बस वैल्यूज निकालनी है, बस वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज, तो चलिए निकाल लेते हैं। 10 का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 10 इज इक्वल टू वट, 10 इज इक्वल टू हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइट। ठीक है, इसी पर रखना है, तो 10p निकालना है हमें, तो 10p इज इक्वल टू वॉट, पी होगा, तो ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमारा हाइट पता करना है, तो पी ये है, तो हाइट ये होगा 5 सेंटीमीटर, और हमारा बेस हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। और फिर हमें क्या करना है, कॉट आर निकालना है, कॉट आर, तो आर को रखेंगे, तो आर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो हमें कॉट में चाहिए पहले बेस, तो बेस हमारा है 5 का, और हाइट कितने का है, हाइट हमारा 12 का ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हो सकता है क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो सेम है ये। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, सिंपली माइनस, तो कॉट 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, तो 5 माइनस 12 कट के 0 आ जाएगा, खत्म। ऐसे होगा आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हाइट या एल्टीट्यूड, हाइट को ही हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये होता है हमारा साइन का फॉर्मूला। तो ये क्लियर है कि साइन ए जो होगा वो 3/4 है, ये तो हमारा गिवन है। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिगर। राइट एंगल एट बी ए एंड सी, ठीक है,
जिसमें हमारा साइन ए ये है, इसका हाइट ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, बेस ये होगा। तो हाइट होता है, तो हाइट है हमारा कितना, 3 सेमी। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 4 सेमी। हाइट 3 सेमी, हाइपोटेनस 4 सेमी, देन द बेस विल बी वॉट, द बेस विल बी वॉट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हो जाएगा, हम अगर पाइथागोरस से करते हैं तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस ab का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ab, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे लेकिन ये ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ए बी इज इक्वल टू √7। ये हो गया आपका ए बी का वैल्यू कितना, √7। ठीक है, सब पता ही चल गया। तो कॉस ए निकालने में क्या हड़बड़ है, कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज व्हाट, √7, हाइपोटेनस इज व्हाट, 4, √7/4। एंड 10 ए इज इक्वल टू व्हाट, हाइट बाई बेस, हाइट इज व्हाट 3, बेस इज व्हाट, √7, 3/√7। बाय रैशनलाइजिंग √7/√7, 3√7/7। हो गया आपका ये आज का काम फाइनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।